वालेकुम सलाम। आओ मुर्तुज, काय हो दिख रहे तो? ये कप्ता हुआ क्या? नहीं भाई, जरा टेंशन में आता है जरा। क्या घर का प्रॉब्लम चले? जरा क्या टेंशन है? क्या नहीं, मामू को किडनी स्टोन हुआ भाई, वो प्रॉब्लम में कहा दिखा रहा हूँ इलाज ही नहीं हो रहा। क्या भी ऐसा? कितनी उम्र है? 60 है भाई। 60 है? मैं एक एड्रेस बोलता हूँ, हैदराबाद में एक R&S फार्मेसी बोल को है। वहाँ पर 60-70 तो छोड़, 80-90 साल के बुजुर्गों का भी इलाज हुए। जैसे किडनी स्टोन हुआ, पथरी की बीमारी हो गई, पथरी का हो गया, पथरी को पिघला छोड़ते हैं वहाँ पर। गुर्दे का अगर प्रॉब्लम है तो गुर्दे का भी इलाज होता है वहाँ पर। अगर वहाँ पर तुम्हारे मामू को लेके जा, हाँ वहाँ पर काम हो जाता तुम्हारा। अगर नहीं है तो कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ, फोन पे बात कर ले। वहाँ से ऑनलाइन चाहे तो तुम्हें इलाज करा के वहाँ से दवा मंगा सकते, नहीं तो अगर एक बार अगर विजिट करना चाहते हैं तो जरूर विजिट करो। वो लोग आपको दवाई मेडिसिन सब प्रोवाइड करते हैं। और इनका खानदानी सिलसिला है, पिछले 10 साल से लोगों का इलाज कर रहे हैं, इसी पर ही काम करते हैं। जैसे गुर्दे और पित्त की पथरी हो गई, इसका भी इलाज होता है वहाँ पर? दवा के जरिए इलाज होता है मृत्युज, यहाँ पर उन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक बार अपने मामू के लिए यहाँ पर R&S फार्मेसी में एक बार कॉन्टेक्ट कर लो। और दोस्तों, तो आप उसका इलाज कराना चाहते हैं, गुर्दे और पित्त की पथरी का भी इलाज कराना चाहते हैं, तो आप जरूर यहाँ पर कॉन्टेक्ट कीजिए। R&S फार्मेसी, अपोजिट केनरा बैंक, बहादुरपुरा यक्स रोड, हैदराबाद। जरूर एक बार कांटेक्ट कीजिए, स्क्रीन पर नंबर है। और तुम्हें भी कांटेक्ट नंबर लो, तुम्हें भी कॉल करो। अगर व्हाट्सएप या फोन कॉल के जरिए आप अपना जो भी प्रॉब्लम है बताएंगे तो आपको ऑनलाइन भी वहां पर आपको इलाज के लिए आपको दवा भेज सकते हैं। नहीं तो वो क्या कर, क्या बोलते हैं उनको, जरा कांटेक्ट करके आप आगे का इलाज कर लेना तुम्हारे मामू का। क्या भाई? ओके हाँ भाई, ठीक। और कई लोगों को ये बीमारी का बहुत तराश में रहते हैं, कई लोगों को नहीं मालूम रहता है, फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करिए। शुक्रिया, चला जाएंगे। गुर्दे और पित्त की पथरी का इलाज भी कराना चाहते हैं तो आप जरूर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। और दुआ में याद रखिए दोस्तों।